से फिर बात कर दें, थोड़ी सी हमें ब्रीफ हिस्ट्री बता दें। नहीं चले ब्रीफ हिस्ट्री, ओके देखो, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये करेंगे। क्यों करेंगे? वो अब दिखाना चाह रहे हैं कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कश्मीर के ऊपर कि ये पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम है। ये जैसे इसराइल ने पैलेस्टीनियन लैंड्स के ऊपर सेटलमेंट्स कर दिए, उसको स्टेटस को चेंज कर दिया, जैसे स्टेटस को चेंज हो जाता ना तो फिर इक्वेशंस तो डील हो। नरेंद्र मोदी भी ये आर्टिकल को तो चेंज करके स्टेटस को कश्मीर का चेंज करना चाह रहा है ताकि ये आज़ादी और ये जो स्टेट स्पेशल स्टेटस है ये बात ही ख़त्म हो। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर डिवाइड हो सकता है। मगर ये जो उन्होंने अपने लोग भेज दिए वहाँ, 10,000 और ट्रूपर्स भेज दिए और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग ज़्यादा बढ़ गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये पूरी पक्की तैयारी करके आए हैं, ये इसको एब्रोगेट करेंगे इस आर्टिकल को। इनके लोग ऑलरेडी कहना शुरू कर दिए इन्होंने कि ये तो टेम्प्ररी रिलीफ दी थी हमने 1954 में, नेहरू का और शेख अब्दुल्ला का एक सेटलमेंट हुआ था, याद रहे 1954 में उस वक्त प्लेबिसिट के इशू लाइव था वो, तो इसलिए इसको टेम्प्ररी कर सकते थे, परमानेंट कर ही नहीं सकते थे। मगर बात यह है कि इसके साथ क्या होगा, फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इसके ऊपर बाद में हम डिबेट करेंगे, मगर मैं ये कह दूँ इसके साथ कश्मीर के अंदर एक रिवोल्ट फिर तैयार होगा, फिर टेररिज्म होगी, वो तो जो होगी जो होगी, जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आएगा फ्रॉम कश्मीरीज, आप कुछ करें क्योंकि अब बहुत जबरदस्त प्रेशर हो रही है और इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल को हीट करेगा, आपके जिहादी फिर निकलेंगे बाहर कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी, और यहां फिर आपकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उस वक्त जब आपकी हुकूमत और आपकी एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडिया को ये कह रही है कि हमने जिहादियों को ख़त्म कर दिया है, अब कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स नहीं होंगे और ये नहीं होगा, ये अगर ये हिंदुस्तान ने अगर ये काम किया तो इसके साथ इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे, और ख़राब की वजह से टेररिज्म भी बढ़ेगी और उसके साथ फिर इल्ज़ामबाजी होगी और मैं समझता हूँ बहुत एजेंडे डिरेल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिटी साहब, बहुत सारी डायमेंशंस हैं इस टॉपिक की जिसे हम अपने अंदर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम लंदन स्टूडियो से, मुझे और सिटी साहब को इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, आपसे आइंदा हफ्ते लंदन स्टूडियो से दोबारा मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।